छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम छरछेत पहुंचे। सर्वप्रथम श्री बघेल ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद शोक संतृप्त परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया और मृतक के परिजनों से घटना की विस्तृत पूछताछ की। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद श्री बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यहाँ टोनही प्रताड़ना के कारण हत्या की गई है। सवाल यह है कि परिवार में किसी को टोनही बोला जाए तो उस परिवार की स्थिति खराब हो जाती है। टोनही प्रताड़ना का कानून बना हुआ है। सुकमा में भी टोनही के शक में ही हत्या हुई है और यहाँ भी हुई। सरकार के द्वारा केवल 10 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिया गया है, जबकि ये पीड़ित परिवार के लिए उपहास है, क्योंकि हत्याकांड में 3 परिवार प्रभावित हुआ है। 2 बहन तीजा मनाने घर आई थी, साथ ही एक भाई घर में था। इस तरह 4 लोगों की हत्या की गई। मामले में सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा के साथ प्रभावित परिवार को नौकरी देना चाहिए। देखिए, यहाँ बड़ी घटना घटी और 4 लोगों की हत्या हो गई। हालांकि एक ही घर में हुआ है, लेकिन 3 परिवार है, क्योंकि 2 लड़कियां तीजा के समय मैके आई थी और कुल मिला के इस घर में 4 लोगों का हत्या की गई। और ये टोनही प्रताड़ना का मामला है। टोनही बता के, जादू टोना बात करके इनकी हत्या की गई। 2 बार आए और पहली बार में उसकी माँ को धमकी उमकी दे के फिर चले गए और इसमें उसका बीपी बढ़ा तो उनके लड़के उनको लेके डॉक्टर के पास ले गए थे और इस कारण से उसकी माँ और एक लड़का उसमें बचा। अब सवाल ये है कि ये किसी भी परिवार में इस प्रकार से यदि कहा जाए कि टोनही है तो उसके तो सामाजिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है और उसके कारण से इस घर में हत्या भी हुई है। तो सामाजिक जो मान सम्मान है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरे लोग भी उस प्रकार से देखते हैं। तो आगे जो उनके बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत ही अंधकारमय हो जाता है। टोनही प्रताड़ना कानून बना हुआ भी है, लेकिन ये बड़ी घटना यहाँ घटी। सुकमा में भी उस दिन हुआ था और दूसरा यहाँ। अब 3 परिवार है और सरकार ने केवल 10 लाख रुपया दिया है, तो ये तो इस परिवार के साथ एक तो ऐसी दुख, 3-3 परिवार के लोग एक घर में, 4 लोगों की मौत हो जाना और उसमें केवल 10 लाख रुपया दिया है, तो ये तो उनको बल्कि उनका उपहास उड़ाने जैसा है। मछुआ महासंघ के द्वारा ये डिमांड की गई है कि इनको 1-1 करोड़ रुपया, क्योंकि 3 परिवार है अलग अलग, क्योंकि मायके आई थी, कोई सिरनी राणा के हैं, कोई एक गंगई कहाँ, 3 जगह से हैं। उसके मिस्टर लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उसके पति थे, तो इनकी डिमांड ये है कि सास की नौकरी दी जाए, क्योंकि विशेष परिस्थिति में इसकी हत्या हुई है, टोनही प्रताड़ना का मामला है, तो सास की नौकरी मिलना चाहिए और 1-1 करोड़ रुपया की डिमांड निषाद समाज के द्वारा, मछुआ महासंघ के द्वारा किया गया है।